हेलो व्हाट्सअप गाइज, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे को स्टार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। गाइज, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी को स्टार्ट कैसे करें, लेकिन गाइज इस वीडियो में मैं बताऊंगा को स्टार्ट इम्पोर्टेंट क्यों है और हमें क्यों करना चाहिए। लेकिन गाइज, कुछ लोग हैं, कुछ भाई है अपने जिसको डबल स्टैंड पे गाड़ी नहीं लगानी आती, मेन स्टैंड पे, तो उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि भाई हमें तो मेन स्टैंड पे लगानी नहीं आती, फिर भी हम कैसे करें को स्टार्ट। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ इजी ट्रिक कैसे लगाएं जैसे डबल स्टैंड पे, फिर उसके बाद हम को स्टार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करें। तो चलिए गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर आपको कॉन्फिडेंस ना हो तो ये जो स्टैंड है, साइड स्टैंड, इसे ऑन रखना, इसे नीचे का पकड़ना इस तरह से, पॉज गाइज। उसके बाद इसे पकड़ना अच्छे से, फिर नीचे जो पैर मैंने रखा है, पैर इस तरीके से रखना। फिर गाइज क्या करना, इस तरीके से जो खींचते हैं जोर से, ऐसे नहीं खींचना, बिल्कुल गाड़ी नहीं आएगी ऊपर। जो ज़्यादा फोर्स है पैर पे लगाना, नीचे पैर पे लगाना ज़्यादा फोर्स। इससे सिर्फ हम एक बूस्ट देंगे ताकि बाइक एयर में आ जाए, ठीक है। तो इसे नीचे दबाना पैर को, इसे हल्के से उठाना और आराम से ऊपर आ जाएगी बाइक, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ को स्टार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। गाइज, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था 7 टिप्स टू कीप योर बुलेट एवर ग्रीन, उसमें मैंने बता दिया है को स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं बताता हूँ गाइज को स्टार्ट इम्पोर्टेंट क्यों है। गाइज, जब हम बाइक लगाते हैं तो सारा का सारा ऑयल रात में नीचे की तरफ जा चुका होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होने पर सारा ऑयल नीचे जाता है। फिर हम जैसे किक स्टार्ट करते हैं, किक स्टार्ट करने के बाद बाइक स्टार्ट करके सीधे जाते हैं तो पार्ट्स घिसने शुरू हो जाते हैं अंदर। उस वजह, वो भी एक वजह है टिक टिक साउंड आने की बाइक में। और गाइस, कुछ भाई ऐसे हैं जो सवेरे सवेरे बाइक स्टार्ट करके रेस करते हैं, सीधे थ्रॉटल देते हैं और उससे मतलब बाइक हीट करने की कोशिश करते हैं। ये एकदम गलत है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऑयल नीचे रहेगा। कोल्ड स्टार्ट करने का जो चीज़ है, कोल्ड स्टार्ट करने को क्यों करते हैं, ताकि आराम से ऑयल ऊपर आए और सारी बाइक का इंजन लुब्रिकेशन हो जाए। और अगर हम डायरेक्टली स्टार्ट करके रेस देंगे, ऐसे करेंगे तो उसके बाद पार्ट्स घिसने तो घिसेंगे ही और ज़्यादा घिसे जाएंगे उससे, तो फिर साउंड तो आनी है, ठीक है। तो ये वजह है कि कोल्ड स्टार्ट हमें करना क्यों चाहिए सवेरे के टाइम में, या फिर कोई भी दिन में ज़्यादा टाइम हो गया हो, आपने बाइक स्टार्ट नहीं की, 7-8 घंटे हो गए हो आपने बाइक स्टार्ट नहीं की, तो उस टाइम पे हमें कोल्ड स्टार्ट करना ज़रूरी है। और गाइस, ये बिल्कुल मत करना। मैंने बहुत लोगों को देखा है जैसे किक मारते हैं सीधे या सेल्फ स्टार्ट मारते हैं और ऐसे करके रेस करते हैं बाइक को, इससे गाइस बहुत ज़्यादा इशू आता है आपके इंजन में। उसके बाद फिर टिक टिक साउंड आ रही है, फिर ऑयल लीकेज हो रहा है, ये सब शुरू हो जाता है, ठीक है। सो गाइस, यही था आज के ब्लॉग में। फटाफट लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच।